हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज है 5.2 और इससे पहले आप लोग 5.1 को कर चुके हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल बनी हुई है, उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं हमारे, उनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो टेबल तो मैंने पूरी नहीं बनाई है, वो सब सबके पास बुक होगी। तो इसमें ए है हमारा 7, डी है 3, एन 8 है और ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको यहाँ पर आइडेंटिटी बताई थी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो हमें भाई मालूम है नहीं, ए की वैल्यू आप लोग को मालूम है 7, एन कितना है हमारे पास 8, माइनस 1 इंटू डी 3, 7 प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, ये कितना हो गया हमारे पास 28। तो जहाँ भी हमारा ब्लैंक है उस जगह पर आप इसमें 28 नोट कर दें। तो अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें किसी न किसी पार्ट में ए पूछा है, किसी में डी पूछा है और किसी में एन की वैल्यू या ए एन की वैल्यू, तो आप लोग इनको इस प्रकार से कर सकते हैं वो डू योर सेल्फ। हेलो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोग को ये बॉक्स बने हुए हैं, इस बॉक्स में कुछ वैल्यूज आप लोग को फाइंड करना है कि इसमें क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसमें ये सेकंड पार्ट लिया है मैंने इसका भाई, तो ये जो हमने एक एपी बताया था, तो एपी क्या बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। तो जो ए है यानी एक तो हमें ये फाइंड करना है और एक ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअली हम देख रहे हैं यहाँ पर ए प्लस डी की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोग को 13, और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इनको हम जैसा कि थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, उसी मेथड से इनको सॉल्व करके हम लोग a और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो a के कोएफिशिएंट सेम है ना, तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, d माइनस 2d इज इक्वल टू 10, देन डी इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, तो डी की वैल्यू जो होगी माइनस 5। अब डी की जो वैल्यू है इसको पुट कर दें इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a प्लस डी है हमारे पास माइनस 5 इज इक्वल टू 13, देन a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास a की वैल्यू है, तो जो फर्स्ट बॉक्स है हमारा पहले वाला, इसको कोई नंबर x डाल दीजिएगा और इसको नंबर कोई y डाल दीजिएगा, कोई भी अननोन क्वांटिटी डाल सकते हो। तो अब हम बात करें x, तो x किसके इक्वल होगा भाई, a है, और जो a की वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो x की जगह पर आप क्या बता सकते हैं 18, तो जो पहला बॉक्स है उसमें क्या लिख दिया हमने 18। इसी प्रकार से y क्या है हमारा, y है हमारा a प्लस 2d और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 प्लस 2d क्या है माइनस 5, सो 18 माइनस 10 क्या होगा 8, यानी जो पहले वाले बॉक्स में हमारा 18 आएगा और सेकंड बॉक्स में क्या आएगा 8। तो इस प्रकार से इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें स्वयं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हूज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या गिवन है 11th टर्म, तो ए 11 इज इक्वल टू 38। तो अभी यहां पर हम बताएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पर 11 करते हैं तो इसका मीन्स क्या है, एन की वैल्यू 11 है, इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 10d। तो ए 11 का मीन्स ये हो गया। तो आगे से जहाँ भी आएंगे तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज लिख दिया करूँगा, जितना एन दे रखा उसमें से 1 माइनस करके इंटू डी कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा
a plus 10d is equals to 38. In similar way, the 16th term of this AP is 73. So a 16 can be written as a plus 15d is equals to 73. Now, solving these equations by the elimination method, a plus 10d is equals to 38 minus, इसमें से इसे माइनस करेंगे 5d और इससे इसे माइनस करेंगे 35, देन d इज इक्वल टू सॉरी नग हाँ पॉजिटिव ही आएगा तो ये होगा हमारे पास 7, d की वैल्यू होगी 7। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो a प्लस 10 d 7 है 38, देन a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, देन a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस 32। a है हमारे पास, d है, तो इसका कौन सा टर्म पूछा गया है आपसे, 31st टर्म, तो a 31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, क्योंकि जितना ये है उसमें से एक कम करके लिखेंगे, तो a है माइनस 32 प्लस 30d7, तो माइनस 32 प्लस 210 से इसे माइनस करेंगे 178, तो a 31 क्या मिल गया हम लोग को 178। तो इस प्रकार से आप लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो अपना वो ग्रुप में उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके।